हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑन यूट्यूब चैनल लर्निंग नीड। और जैसा कि आपको पता है कि यूपी टेट 2019 के लिए प्रिपरेशन हमारी स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी, और हम जो है सभी सब्जेक्ट को सिलेबस के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। जो भी हमारा पैटर्न चल रहा है गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, उसके ही अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं सारे क्वेश्चंस। और आपकी संस्कृत की जो क्लास होगी वो होगी डेली शाम को 5 बजे। तो ये यूपी टेट के लिए है, और इसका में जो क्वेश्चंस रहेंगे वो जितने भी टॉपिक्स हैं सिलेबस में, चाहे वो आपकी संख्या हो, चाहे आपकी धातु, मतलब जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस में हैं उन सब से मिक्स्ड करके ये आपकी क्लास रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। आज तो हमारी फर्स्ट क्लास है इस 5 बजे वाली सीरीज़ में, और डेली आपको 5 बजे ही ज्वाइन करना होगा अगर आप लाइव ज्वाइन करना चाहते हैं। अदरवाइज़ आप कभी भी इसको वीडियो को देख सकते हैं चैनल के पेज पर आके। चलिए स्टार्ट करेंगे हमारा आज का सेशन। फाइन, जितने भी लोग जुड़ चुके हैं फटाफट से आ जाइए। ओके, रिप्लाई करने के लिए रेडी हो जाइए। चलिए देखते हैं। सो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कंकड़ाए सुवर्णम अस्ति। इसमें कंकड़ाए में कौन सा कारक है? करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक या फिर संबंध कारक। सेम ऐसे ही क्वेश्चन यूपी टेट में आप पूछे जाते हैं जैसा यहाँ पे, मतलब मैंने इंक्लूड किए हुए हैं, सेम वैसे ही इंक्लूड किए हैं। सो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, संप्रदान कारक है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम जाता है, इसका संस्कृत अनुवाद क्या होगा? रामः गच्छति, रामम गच्छति, रामः गच्छन्ति या रामाय गच्छसि। किसी भी टॉपिक का आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, जैसे कोई चीज़ नहीं है तो संस्कृत की प्लेलिस्ट में एक बार चेक करिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसकी। 60 से भी अधिक वीडियो हर टॉपिक के हैं और ईजी वे में समझाया है, ताकि नॉन संस्कृत बैकग्राउंड वालों को भी ईजिली बन जाए। तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं किसी भी टॉपिक की डिटेल्स चाहिए तो। सो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, रामः गच्छति। राम जाता है, तो जाता है मतलब ये गच्छति हो जाएगा, क्योंकि हम अदर पर्सन के लिए कह रहे हैं, अपने लिए नहीं कह रहे हैं, ना ही किसी, ना ही सामने जो सुन रहा है श्रोता है उसके लिए कह रहे हैं। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाता है रामः गच्छति। पवित्र पदे का संधि, यानी पवित्र पद में संधि कौन सी है? संधि का नाम बस बताना है, अयादि संधि, यण संधि, गुण संधि या फिर वृद्धि संधि। उत्तर सही हो जाता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे अयादि संधि है। वैसे भी जहाँ पे देखिए अय औ आय आओ ऐसा आपको मिलता है, वहाँ पे जैसा लग फील होता है, वहाँ पे आपकी अयादि संधि होती है, ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे भी प वी मतलब अव, अव आया हुआ है यहाँ पे, है ना, पौ रहता है वो अव बन जाता है। छायेव मैत्री खल सज्जना नाम सूक्ति है किसकी, मतलब कहाँ से? मुद्रा राक्षस से, कादम्बरी से, नीति सत्कम से या रघुवंशम से। अगर आप सीटेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो सीटेट में आपका संस्कृत साहित्य से कुछ भी नहीं आता है, बट यूपी टेट में ये आपके सिलेबस में रहता है। उत्तर सही होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी, नीति सत्कम से लिया गया है। सत्कारह में संधि विच्छेद होगा क्या? ठीक है, जितने भी लोगों ने गेस किया है इसके लिए ऑप्शन नंबर ए सबका सही है, सद धन कारह बन जाता है सत्कारह। भाषा प्रयोगशाला विधि के शिक्षण उपकरण हैं क्या क्या? ग्रामोफोन, रेडियो, टेलीविजन या उक्त सभी। और इस प्रश्न के लिए सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, उक्त सभी। देखिए लैंग्वेज टीचिंग के लिए जो आप ये सारी ही चीजों का यूज कर सकते हैं। जननी जन्मभूमि में समास है कौन सा? कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, षष्ठी तत्पुरुष समास या अव्ययी भाव समास। प्रश्न 7 के लिए उत्तर सही होता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष समास है। तो समास में भी टाइप्स भी होते हैं, जैसे तत्पुरुष समास आपने देखा तो तत्पुरुष समास के भी टाइप्स होंगे, ठीक है। तो ये आपको डिटेल से पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट पे जाकर चेक कर लीजिएगा संस्कृत की। अभी देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, समय और दूरी को बताने वाले शब्दों में निरंतरता बताने के लिए किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तृतीया, द्वितीया, चतुर्थी, सप्तमी। डिटेल से पढ़ाई हुई चीज़ है जो भी मेरे पुराने व्यूअर्स हैं। ओके, करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए जो होना चाहिए वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो समय और दूरी को बताने वाले समयानिकसा इस तरह से करके, है ना, आपका एक जो सूत्र पढ़ाया हुआ था वही चीज है यहाँ पे। इसमें से कौन दीर्घ स्वर है? अ, ई, ओ या उ? दीर्घ स्वर।
उत्तर सही होता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी, ओ जो है ये दीर्घ स्वर है। निवला को संस्कृत में कहते हैं क्या, ये आपका आता है इस तरह का प्रश्न। आसपास की वस्तुओं के संस्कृत नाम और जितनी भी चीजें होती है पशु पक्षी सबके संस्कृत नाम। सही उत्तर इस प्रश्न के लिए हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, नकुला ही जो है वो कहलाता है क्या, निवला संस्कृत नकुला। अस्मत् शब्द का सप्तमी द्विवचन रूप है क्या, अस्मत् शब्द का सप्तमी द्विवचन रूप। उत्तर यहाँ पे सही होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी, अवायो हो जाता है। मति शब्द का षष्टी द्विवचन रूप क्या होगा, षष्टी विभक्ति द्विवचन रूप। बारह के लिए उत्तर आपका सही होता है ऑप्शन नंबर ए, मत्योह। स्त्री शब्द का तृतीय बहुवचन रूप क्या होगा, फटाफट से ऑप्शंस देख लीजिए। तो यहां इस प्रश्न के लिए आपका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, स्त्री भी तृतीय बहुवचन रूप। ऐसे भी किसे बालिका मतलब बालिका भी इस तरह से करके बनता है ना, सब में भी लगता है, तो ये सबसे बड़ी पहचान हो जाती है, बहुत सारे रूपों में भी लगता है, तो इसमें वो करने की ज़रूरत नहीं है आपको ज़्यादा सोचने की, यही हो जाएगा। अगर आपको शब्द रूप वगैरह याद करने में प्रॉब्लम होती है, इजली याद नहीं होते हैं, तो सब तरह के शब्द रूप की ट्रिक बताई है, मतलब याद करने की ट्रिक बताई हुई है, आप चेक कर लीजिएगा। कौन ओष्ठ उच्चारण वाला शब्द है इनमें से, यानी जिसका उच्चारण ओष्ठ से होता है, तो इन सब का आप चाहे तो अगर सूत्र याद है तो अच्छी बात है, सबसे इम्पॉर्टेंट वही है आपको याद करना ही है आगे चल के। नहीं याद है तो आप इनका उच्चारण करके देख लीजिए, ज घ भ ठ, जिसमें ओष्ठ का यूज हुआ है वही आपका आंसर हो जाता है। तो सही आंसर यहाँ पे होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, भ। झर प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं, 23, 25, 27 या 29। और यहाँ पे सही उत्तर इस प्रश्न के लिए होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे 23 जो है प्रत्याहार होते हैं झर में, सॉरी वर्ण होते हैं झर प्रत्याहार में। और जिन लोगों को नहीं पता है, जो लोग बिल्कुल ही न्यू है संस्कृत में, कि प्रत्याहार क्या होते हैं या फिर माहेश्वर सूत्र क्या होते हैं, तो प्लीज़ उसको एक बार चेक कर लीजिए। अगेन आई रिपीट कि सारे ही संस्कृत व्याकरण की वीडियोज़ जो है अवेलेबल है संस्कृत की प्लेलिस्ट में, लिंक दी है कॉमेंट बॉक्स में, तो वहाँ से चेक कर लीजिएगा। सो ये आज के क्वेश्चन थे, थोड़े से फास्ट रहे हैं और डे बाय डे आपके क्वेश्चन जो है वो डिफिकल्ट होते जाएंगे जैसे जैसे आपका एग्जाम नज़दीक आएगा। सो जो लोग चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि नोटिफिकेशन एटलीस्ट मिल जाए, हालांकि नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो भी डेली शाम को 5 बजे आपकी ये क्लास कंटिन्यू रहेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।